हाइपरसोनिक का मिड रेंज है विद लाइट वाला। इसमें कंप्लेंट ये आ रही है बहुत सारों कि इसके जो लाइट है ये बंद हो जाता है। लाइट बंद होने के पीछे रीजन ये है कि इसकी जो वायरिंग है ना, जैसे आप ये देख रहे हो, ये जो वायर एक दूसरे से कनेक्ट होता है स्पीकर की लाइट है, इसकी वायर उल्टी लगने की वजह से ये शॉर्ट हो जाता है। जैसे आप देखोगे रेड वायर इस तरफ है और इसमें उल्टी है सेम इस साइड से, तो अगर आप ये उल्टा लगा देंगे तो इसके जो लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं या बर्न हो जाते हैं, इसकी वजह से इसकी लाइट बंद हो जाती है। ये सही तरीका लगाने का ये है, जो रेड के सामने रेड लगेगा, ये नीचे रेड है ऊपर भी, और ये दूसरा वाला कपलर, रेड के सामने रेड, तो ये इक्वली अगर आप लगाएंगे कपलर तो ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये उल्टा लगा दोगे आप तो जो लाइट्स के कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो जाते हैं। ये आपको कंट्रोल करने के लिए ये QR कोड मिलेगा, इसे आप अपने पेटीएम या किसी भी QR स्कैनर से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी आई लैम्प के नाम से, इसको ओपन करना है, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके उससे। इसमें आपको एक बटन मिलेगा एक्स्ट्रा ऑन ऑफ का, अभी आप देखेंगे इसकी लाइट ऑफ है, मैं जब यहाँ से बटन से ऑन करूँगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी इसमें। इसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी लाइट चेंज कर सकते हैं। इसका साउंड भी मैं आपको बजा के सुना देता हूँ एक बार, अभी इसका साउंड भी हम बजाएंगे। बाकी इसमें वायरिंग का मैं आपको एक फोटो भी इसमें डाल दूंगा, इस तरीके से लगानी है वायरिंग, ये ध्यान रखना है कपड़ा लगाते वक्त कि जो वायर का कलर है, जैसे ये रेड है, रेड के सामने रेड होना चाहिए,